प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, अकाउंट्स क्लास 12 कंपार्टमेंट प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है शाइन लिमिटेड हैज करंट रेशियो 4.5 रेशियो 1 एंड क्विक रेशियो 3 रेशियो 1। इफ द इन्वेंट्री इज रुपीज 36,000 कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ये सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनको लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट रेशियो। क्या दिया है हमें, करंट रेशियो दिया है। और करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो दिया है हमारे को 4.1 रेशियो 1, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्विक रेशियो, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्विक रेशियो। और जो क्विक रेशियो है वो कितना है, क्विक रेशियो है हमारा 3:1। उसके अलावा हमें इन्वेंट्री गिवन है, क्या गिवन है, इन्वेंट्री। तो जो इन्वेंट्री है वो कितनी दी हुई है हमें, 36,000 रुपीज की दी हुई है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी है, एक तो हमें करंट लाइबिलिटी निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है हमें, करंट एसेट निकालनी है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इनमें बस सिर्फ फॉर्मूले हमें याद होंगे और लगाने आते होंगे तो आराम से निकाल देंगे। तो हमें करंट रेशियो गिवन है 4:1, क्विक रेशियो गिवन है 3:1, इन्वेंट्री गिवन है 36,000, हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये तो बात क्लियर है। और हमारे को दे कितनी रखी है, करंट रेशियो 4.1 अपॉन 1, क्लियर है, ये तो दे रखा है 4.1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी और करंट लाइबिलिटी की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4.5 दे रखी है हमें बेटा। करंट रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो गौर से, 4.5 दे रखा है ना, तो क्या दे रखा है 4.5, यहां पे भी हो जाएगा 4.5, तो हमारी करंट एसेट किसके इक्वल हो जाएगी, 4.5 करंट लाइबिलिटी की हो जाएगी, यानी 4.5 गुना होगी करंट लाइबिलिटी की। तो करंट एसेट निकल गई हमारी, वो कितनी हो गई, 4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी की, कितनी हो गई, 4.5 ऑफ करंट लाइबिलिटी की, एक इक्वेशन यहां से निकाल लिया हमने, क्लियर है। ये किस, ये इक्वेशन किसके हेल्प से निकली, करंट रेशियो की हेल्प से। अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे क्विक रेशियो की हेल्प से। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये पता होना चाहिए। तो क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी किसका फॉर्मूला है, क्विक रेशियो का। इससे एक दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, तो क्विक रेशियो कितना दे रखा था, 3:1, तो इक्वल टू 3:1, ये बात समझ आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्विक एसेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 × करंट लायबिलिटी है। ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन करंट एसेट किसके बराबर थी, 4.5 × करंट लायबिलिटी के, और क्विक एसेट किसके इक्वल है, 3 × करंट लायबिलिटी के। यहाँ पे देखो ये दोनों चौराहों पे करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट और ये क्विक एसेट, इतनी बात समझ आ गई, आगे सर ये बात तो हमारे को क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारे को क्विक एसेट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है ना आपको। अब देखो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम क्विक एसेट के फॉर्मूला की बात करें तो क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है बेटा, क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, ये बात समझ आ गई। अगर हमारे को इन्वेंट्री निकालनी है तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर देंगे ना इसको सर, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट माइनस क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, यही हो जाएगा। क्या करा, ट्रांसपोर्ट करा ना, देखो ये यहाँ प्लस था, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर नेगेटिव कट जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट करना आता होगा, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट।
और आपको करंट एसेट आपने निकाल ली थी और क्विक एसेट भी आपने निकाल ली थी, तो करंट एसेट की वैल्यू क्या है 4.5 करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट की वैल्यू क्या है 3 × करंट लाइबिलिटी। बस अब रख दो, यहाँ रखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितनी थी 36,000, करंट एसेट कितनी निकली तुम्हारी 4.5 × करंट लाइबिलिटी, और माइनस क्विक एसेट कितनी निकली 3 × करंट लाइबिलिटी, ऐसे निकली ना। तो देखो अब क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी को तो कॉमन कर देंगे, तो बचेगा क्या 4.5 − 3, यही तो बचेगा भाई, ये तो दोनों में कॉमन था ना करंट लाइबिलिटी, तो जो उसको बाहर निकाल दिया तो करंट लाइबिलिटी तो यही आ गया 4.5 से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 1.5, और इधर क्या आ जाएगा जो आपकी इन्वेंट्री थी वो कितनी थी 36,000। अब यहाँ पर जब कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ क्या करता है, प्लस होता है तो माइनस, और मल्टीप्लाई होता है तो क्या करता है डिवाइड, तो 36,000 को हम क्या करेंगे 36,000 को हम 1.5 से क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारी करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाए, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहाँ जीरो आएगी, इससे काटेंगे तो जो आपकी करंट लाइबिलिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, करंट लाइबिलिटी निकल के आएगी हमारी क्या आएगी करंट लाइबिलिटी 24,000, डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 24,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालने को बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला कि भाई करंट एसेट भी निकालो, तो करंट एसेट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, करंट एसेट क्या होती है 4.5 × करंट लाइबिलिटी होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, करंट एसेट क्या था 4.5 × करंट लाइबिलिटी, अब करंट लाइबिलिटी हमारी क्या आ गई है 24,000, तो यहाँ रख दो उसे, तो 4.5 × करंट लाइबिलिटी कितनी थी 24,000, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1,08,000, तो जो हमारी करंट एसेट आएगी वो कितनी आ जाएगी वो 1,08,000 आ जाएगी, और करंट लाइबिलिटी जो आएगी वो 24,000 आएगी। यही क्वेश्चन में बोला होता कि करंट एसेट निकालो करंट लाइबिलिटी, बेसिकली ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आप उसको रख लें, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है एक तरफ जो करंट लाइबिलिटी दोनों जगह कॉमन आ रही है, फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे क्विक एसेट का क्या होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को आप क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करके निकालेंगे और वैल्यूज रखेंगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹2,50,000, कैलकुलेट करना है ओपनिंग रेशियो। इसमें आपको क्या है ओपनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले देख लो हमारे को क्या क्या चीजें गिवन है, तो हमारे को जो गिवन है बेटा, एक तो हमारे को गिवन है करंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रखना ये फ्रॉम ऑपरेशन है, ये हमारे को गिवन है, ये कितना है, ये दे रखा है हमारे को 1,50,000, क्लियर है। एक हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, क्या दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो चीजें गिवन होती है पहले उन्हें लिखना होता है, क्या दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है हमारे को क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ हमारे को ₹60,000। तीसरी चीज दी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक तो ऑपरेशन में लगी हुई कॉस्ट और एक ऑपरेशन से कमाई हुई रेवेन्यू, तो तीसरी हमें क्या दी हुई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन ये कितनी दी हुई है, ये हमारे को दी है 2,50,000, 2,50,000 रुपए दी हुई है। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है ऑपरेशनल रेशियो निकालना है, क्या निकालना है हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, क्या निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, देखो तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे क्वेश्चन निकल जाएगा, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देख लो, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, इसमें क्या जोड़ेंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे किससे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी तुम्हें नेट रेवेन्यू मिली है ना ऑपरेशन से उससे से डिवाइड करेंगे, बस यही करना है आपका आंसर आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तीनों चीजें आपको गिवन है, बस इस फॉर्मूले में रखनी है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
150,000 रुपए तो आपको क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, 60,000 रुपए है, इसको इसमें प्लस कर दो और जो आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितनी है, 2,50,000 रुपए है। और इंटू क्या है यहाँ पे 100, क्योंकि रेशियो लगाते हैं तो 100 जरूर लगाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84%। तो जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ रहा हो क्या आएगा, 84% आएगा, करके देख लेना आप इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारे को कुछ आइटम्स दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख रुपए, करंट एसेट दी है 5 लाख की, टोटल एसेट दी है 8 लाख रुपए, नॉन करंट लाइबिलिटी 4 लाख की, और शेयर होल्डर फंड दिया है 2 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है, बड़े आसानी से होएगा, अभी भी कराया था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का। फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो का, फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला हमारे को लगाना होता है। तो हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल, दो चीजें चाहिए। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखा है हमारे को 12 लाख रुपए, कितना दे रखा है 12 लाख रुपए दे रखा है, दे रखा है ना। तो हमें निकालना क्या है, ये तो हमारे को दे रखा है 12 लाख, तो हमें जो निकालना है वो निकालनी है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, आसान फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल का एसेट माइनस लाइबिलिटी, या करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कुछ भी कह सकते हो, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, देखो करंट एसेट तो 5 लाख रुपए दे रखी है मगर करंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी। तो पहले करंट लाइबिलिटी निकालो, तो करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में। तो करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी और माइनस शेयर होल्डर फंड। तो कहने का मतलब है इनको आप जोड़ दो, तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, इनको आप जोड़ दो, नॉन करंट लाइबिलिटी को और शेयर होल्डर फंड को क्या करोगे, ऐड करोगे और टोटल एसेट से माइनस कर दोगे। तो टोटल एसेट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8 लाख रुपए गिवन माइनस, और नॉन करंट जो आपको लाइबिलिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो 4 लाख की दे रखी है, और शेयर होल्डर फंड कितने का दे रखा है आपको, वो 2 लाख रुपए का दे रखा है। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को आप ऐड कर दो, तो 8 लाख में से आप क्या माइनस कर दो, 6 लाख माइनस कर दो, तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो कितनी आएगी, 2 लाख रुपए आएगी। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई आपके पास, 2 लाख रुपए आ गई, क्लियर है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल चाहिए, और कुछ थोड़ी चाहिए। ठीक है, पर वो आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े। तो अब आप क्या निकालोगे, वर्किंग कैपिटल निकालोगे, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भाई क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट आपको पता है क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी थी करंट एसेट, 5 लाख रुपए। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी है, तो पता है करंट एसेट कितनी थी, 5 लाख रुपए, और अभी आपने करंट लाइबिलिटी निकाली है, कितनी निकाली है, 2 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई, 3 लाख की आ गई। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, वर्किंग कैपिटल आपने निकाल ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आ गया आपका, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 12 लाख, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, डिवाइड बाई 3 लाख। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो कितना है ये, 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है।
समझ आ गया। तो पहले बता देते क्या करना है, पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, ये फॉर्मूला है। हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है 12 लाख रुपए, पर हमारे वर्किंग कैपिटल नहीं पता। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। हमारे पास करंट एसेट तो है पर हम पे करंट लाइबिलिटी नहीं, तो करंट लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को ऐड करेंगे और टोटल एसेट से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो आपकी जब इसे माइनस करेंगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए। फिर आप क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल क्या करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 3 लाख। और फिर तो फॉर्मूले में लगा देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा?